हाँ जी, तो हाउ आर यू। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम्स के बारे में, परीक्षा। इस समय की शुरुआत होती है स्कूल के क्लासरूम में, जब क्लास में सब पढ़ने लिखने के बजाय सब कुछ कर रहे होते हैं। फिर क्लास में एक पोछा मारने वाली आंटी जी आती हैं और अपने स्कूल के हेड एग्जामिनर आता है या फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं और अपने हाथ में जो पेपर का बंडल रखते हैं वो सबको एक एक क्लास के बच्चे को बांटा जाता है। तो इस पेपर का हम लोग प्राचीन भाषा में देते हैं नाम डेट शीट। डेट शीट देखते ही सबका नज़रिया बदल जाता है। तुम एक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स की तरह देखे जाते हो, चाहे तुम स्कूल में आवारा गर्दी ही क्यों ना करते हो। और सबकी बुद्धि इसी में चल रही होती है कि भैया कैसे करेगा बच्चा मजदूरी, ओ पढ़ाई। भले ही एग्ज़ाम कई स्टूडेंट्स के दिमाग से, कान से, नाक से, हर जगह से बाहर हो, इसके बाद टांग अड़ाने आ जाते हैं रिश्तेदार। मैं आराम से अपने कमरे में मन धन स्तन सब लगाकर पढ़ रहा हूँगा, फिर हल्का सा मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलेगा, फिर उसमें से एक मुंडी हिलेगी। ओ बेटा क्या कर रहे हो? अंकल बायोलॉजी का डायग्राम बना रहा हूँ, साथ दोगे मेरा? अब आते हैं माँ बाप के ऊपर। ओए माँ बाप पे मत जाइयो। कुछ माँ बाप तो बच्चों को बाहर जाने से मना कर देते हैं। आपने मोबाइल लिया, हमने कुछ कहा? बाहर जाना तो जिंदगी होती है यार। और कुछ लौंडे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने के बजाय व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं लड़कियों से। सबको एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करते हैं, वाना चैट मी, वाना चैट मी, वाना चैट मी। कई तो देखकर मर जाते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं आया यार। अगर रिप्लाई आ गया भाई साहब, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम लोग तो समझदार हो यार। और अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया चैट करते हो व्हाट्सएप पे, तो पता ही होगा कि कैसे पिटते हो तुम लोग यार, तुम देख ही लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं भी जा रहा हूँ पढ़ने, एग्जाम्स आ रहे हैं। बाय।